एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा किचन का वीडियो कि मैं किचन को कैसे क्लीन रखती हूँ, मेरा क्लीनिंग रिजीम क्या है और यू नो सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर और कुछ ऐसा है वेदर, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और आज थोड़ा ठंडा भी है, पूरा फॉगी फॉगी होके रखा है और मेरा किचन अभी बहुत ही गंदा है। तो ये सब मैं साफ करने वाली हूँ, तो कीप ऑन वॉचिंग। तो सबसे पहले मैं करूँगी यूटेंसिल्स क्लीन, उसके बाद मैं काउंटर टॉप्स और सब कुछ क्लीन करने वाली हूँ। मेरा वॉश किया हुआ बर्तन मैं इसके ऊपर रखती हूँ और बर्तन सूख जाने के बाद मैं उसको अपने जगह रख देती हूँ और इसको मैं सुखाने दे देती हूँ। बर्तन मेरा पूरा धुल गया है और अभी पूरा काउंटर टॉप्स और ये सब क्लीन करने वाली हूँ। And the chimney and everything is clean. और ये है मेरा मसाला रैक which I keep it like this. है एक extra virgin olive oil और ये है यहाँ पर मैं रखती हूँ knife, scissors, chopsticks और थोड़े बहुत निकनैक्स। तो ये है एक सेट। उसके बाद मैं एक फ्लावर रखती हूँ क्योंकि मुझे किचन में फ्लावर या तो डेकोरेटिव आइटम्स बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि अच्छा लगता है देखने में और मॉर्निंग को उठ के थोड़ा फ्लावर देखने में भी अच्छा लगता है। उसके बाद है थोड़े क्लीनिंग स्टाफ। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा किचन क्लीन हो चुका है, ये सारे बर्तन धो लिया है मैंने, ये सूख जाएगा तो इसको अपनी जगह पे रख दूंगी और सिंक भी क्लीन हो चुका है, पूरा काउंटर टॉप्स, बैक स्प्लैश सब कुछ क्लीन हो चुका है और ये तो खाना मैंने ऑलरेडी पका के रख दिया फॉर लंच, तो ये ऑलरेडी रेडी है। तो चिमनी भी क्लीन है, कपबोर्ड्स भी क्लीन है और नीचे भी सब क्लीन है। सो किचन इज ऑल सेट।
था मेरा आज का किचन क्लीनिंग का वीडियो विच आई शेयर विथ यू. मैं अपने किचन को क्लीन रखना ज्यादा पसंद करती हूँ क्योंकि द मॉर्निंग बिगिंस फ्रॉम द किचन. सो द किचन इज प्रीटी मच लाइक यू नो अ टेम्पल फॉर मी. तो मैं हमेशा इसको नीट और क्लीन रखने की कोशिश करती हूँ. सो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है सो देन डोंट फॉरगेट टू यू नो लाइक शेयर एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स डाउन बिलो. ऑल्सो डो नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल नोटिफिकेशन सो दैट एवरी टाइम आई अपलोड अ वीडियो यू आर नोटिफाइड. And I'll see you on my next one. Until then, take care of yourself, take care of your family, be positive, spread positivity, and until next time, may the odds be ever in your favor. Goodbye.